और भाई डोपामिन, मेट्रोक्लोप्रामाइड, ये डायज़ेपैन, ये क्या है यार, ये क्या है यार, ये जिंदगी यार, ये जिंदगी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग, ठीक हो यार? हमारे हो गए पेपर ख़त्म और कसम से जहनी सुकून हो गया, एक दिल को सुकून हो गया। तो 14 पेपर थे, 14 14 पेपर, मतलब 14 पेपर मतलब कि आप कम से कम जिसमें एक एक दो तीन चार पाँच, मतलब ऐसे भी थे जिनमें छुट्टियां भी थी। तो हमें तकरीबन 21 22 दिन लगे हैं पेपर देने में, और कसम से क्या बताऊँ, बुरे हाल हो गए हैं, बुरे हाल बुरे हाल। और कई रातें ऐसी हैं जो हमने जाग के गुजारी हैं, सिर्फ 2 3 दिन, 2 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे 4 घंटे सोए हैं और चाय पीते रहे हैं, चाय पीते रहे हैं, चाय पीते रहे हैं। और फार्मा ने इतनी चाय पिलाई है ना, इतनी चाय पिलाई है कि हमारा दिमाग सुन्न हो गया था, फार्मा पढ़ पढ़ के। और भाई डोपामिन, मेट्रोक्लोप्रामाइड, ये डायज़ेपैन, ये क्या है यार, ये क्या है यार, ये जिंदगी यार, ये जिंदगी जी। पेपरों के बाद हमेशा बंदा लेजर लेजर लेजर, मतलब कोई एक ऐसी ऐसी चीज़ फाइंड करता है कि यार मैं ना, अब मैंने पेपर दे लिए हैं, जान छूट गई है, मैंने इतना 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 मतलब दुख झीले हैं ज़िंदगी में, 12 15 21 दिन थे, मैंने इतनी मजबूरियों से निकाले हैं, मैंने 21 दिन अपने आप को मारा है यार, मैंने 21 दिन 21 दिन फेसबुक नहीं चलाई, मैंने 21 दिन टिकटॉक नहीं चलाई, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही नीचे ले आया। मतलब मैंने फिर आपको अपने आप को, अब मैंने करना है क्या, अब मैंने इन्जॉय करना है भाई, अब मैंने करना है इन्जॉय, मैंने मूवीज़ देखनी है, मैंने मैं क्या करूँगा, मैं भी फुटबॉल खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं दोस्तों से मिलने जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैंने अब फेसबुक और टिकटॉक भी इंस्टॉल कर लिया है, वो भी तो मैंने देखनी है ना, फिर मैं टिकटॉक पे, फिर मैं फेसबुक पे वो रील्स देखूँगा, इंस्टाग्राम पे रील्स देखूँगा, टिकटॉक की छोटी छोटी वीडियोज़ देखूँगा, मुझे कम्फर्ट आएगी, कम्फर्ट जोन मिलेगा, डोपामिन रिलीज होगी, खुशी आएगी, ओ अब तो बड़ा मज़ा आएगा। ओ पोस्ट एग्जाम, हमारे रूम का हाल ये है कि बहुत गंद बिखरा हुआ है, ठीक है, किसी के कपड़े उधर पड़े हुए हैं, किसी के उधर पड़े हुए हैं, किसी के जूते कहीं पे हैं, कहीं किसी की जुराबे गुम हुई हुई हैं, किसी का हर चीज़ ऐसे उसे हुई हुई है, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा सारे घर चले गए हैं, मैं अकेला रह गया हूँ, कल एक मुझे एक सेशन अटेंड करना है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। और मैंने कहा चलो एक वीडियो हो जाए, मतलब एक व्लॉग हो जाए एक तरह का। और यार हॉस्टल में रहते हुए ना आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ये, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना घर छोड़ के हॉस्टल में आते हो, हॉस्टल में आके अपने खाना खुद खाना है, ये नहीं कि आपको यहाँ पे कोई खाना प्रोवाइड नहीं करेगा, आपने खाना है बाहर जाके, आपने डीलिंग करनी है, आपने उनको पैसे देने हैं, अच्छा आपने फिर क्वालिटी चेक करनी खाने की, फिर आपको बाहर का खाना कैसा होता है उसका पता चल जाता है कैसा होता है, फिर जब बीमार हो जाए बंदे, फिर बंदा फिर क्या करना है, बंदा बीमार हो जाता है, मतलब रूममेट ही होते हैं जो पूछ लेते हैं, और रूममेट्स में भी कोई एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ही मोहब्बत करने वाले होते हैं आपसे, मतलब उनके साथ आपका बहुत ही भाईचारा होता है, वो जिगरी यार होते हैं आपके, वो जिगरी यार होते हैं यार। हॉस्टल का आंखों देखा हाल क्या होता है, हॉस्टल का, हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट्स के हॉस्टल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल होते हैं, उनके आंखों देखा अगर आप हाल पूछोगे ना, तो ये होता है कि यार जिस बंदे का आईफोन वाला चार्जर होता है ना, वो पता नहीं कितने बंदे उसे मांगने आते हैं यार, किसी के वो मतलब वो डाटा केबल गुम हो गई होती है, किसी का वो ऊपर पावर वाला गुम हो गया होता है, मतलब यार इस तरह होता है। फिर जो रूम होते हैं ना, रूम उनके बाहर, मतलब जिस रूम अगर तो वो क्लीन बिछा हुआ है, तो उस रूम के बाहर इतने जूते पड़े होते हैं, जैसे जो नहीं है वो लंडा लगा होता है इस तरह, मतलब ये भी होता है लंडा, जैसे लंडा लगा हुआ हो, ऐसे ऐसे जूते पड़े हुए होते हैं यार। हॉस्टल में रहते हुए ना ये भी पता चलता है बंदे ने ना, बंदे को असल और नकल की मतलब बंदे को पहचान हो जाती है, कितनी की देर यार, कितनी की देर, मतलब दोस्त रहते हैं छः, मतलब आप एक ब्लॉक हो, एक 24 लड़के हो उसमें, मतलब भाई से हेक्सा रूम है ना, छः छः के रूम है वो, मतलब आप रह रहे हो सारे, ठीक है आप एक अरसे से रह रहे हो, 1 साल हो गया आपको रहते हुए, मतलब बंदा फिर 1 साल के अंदर जज कर लेता है कौन मेरे लिए बेहतर है, कौन टॉक्सिक है, कौन मेरे हक में बेहतर है, कौन जब मैं उसको फ़ायदा देता हूँ वो भी मुझे फ़ायदा देता है, कौन मुझे मतलब उसको मैं फ़ायदा देता हूँ जब, लेकिन जब मेरी बारी आती तो वो कहता है यार ये मैं क्यों दूँ, तुम्हें टाइम क्यों दूँ भाई। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें सिखाता है आपको हॉस्टल। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।